हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो फाइनली द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन की मूवी जंगल क्रूज रिलीज होने वाली है और उसके फर्स्ट रिएक्शन रिव्यूज नेट पर आ चुके हैं। मैंने ये मूवी नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों को ये मूवी देखने का मौका मिला, अफसोस साला ये मुझे नहीं मिला, क्योंकि द रॉक मेरा फेवरेट एक्टर है और चाइल्डहुड स्टार है भाई अपना। बचपन में हम उसकी रेसलिंग देखते थे, फिर उसके बाद बंदा मूवी में आने लगा, फिर मूवी में आने के बाद इस लेवल की तरक्की की कि आज हॉलीवुड में वो हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। और जंगल क्रूज मूवी का वेट हम लोग 1.5-2 साल से कर रहे हैं आफ्टर जुमानजी मूवी। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी इस लेवल की होगी, लेकिन आज जब क्रिटिक्स के ट्वीट पढ़े तो भाई उसके बाद मेरी जो एक्साइटमेंट है वो रुक ही नहीं रही। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस पर्टिकुलर मूवी का प्लॉट बता दूं कि ड्वेन जॉनसन इसमें रोल प्ले कर रहे फ्रैंक का, जो कि एक रिवर बोट कैप्टन है। उसको हायर करती एक फीमेल साइंटिस्ट, जिसका रोल यहाँ पर एमिली ब्लंट कर रही है। बेसिकली वो इसलिए हायर करती कि वो एक एशियंट ट्री ढूंढ रही है। ये ट्री इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्री में कुछ ऐसे सुपर पावर्स है जिससे वो इनलेस को हील कर देगा, काफी जख्मों को भर देगा, और शायद ये ट्री मिलने के बाद फ्यूचर ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से बदल जाए। तो अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये सब कुछ जानने के लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा कि ये मूवी हमारे इंडिया में कब रिलीज हो। लेकिन अच्छी बात है कि ये मूवी इसी वीक US में रिलीज होगी और साथ साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पे भी होगी। लेकिन वो हमारे इंडिया वाले देख पाएंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया वाले किसी तरह से जुगाड़ कर लेंगे मूवी को देखने का, और मैं भी जुगाड़ कर लूंगा, क्योंकि द रॉक ड्वेन जॉनसन का अपन फैन है भाई, अपन फैन है, फैन है, और उनकी मूवी अपन नहीं मिस करते। और इस तरह की थीम पार्क पर बनाई हुई मूवी तो भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि जो क्रिटिक्स है वो लोग कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी में वो दम है जो पायरेट ऑफ द कैरेबियन को टक्कर दे सकती है। और जब डिज्नी वाले बना रहे तो सोचो किस लेवल की मूवी होगी। साथ साथ द रॉक ने कितनी बार बोला कि ये मूवी अगर आप लोग को इंडियाना जोन्स बहुत पसंद है तो कहीं ना कहीं ये मूवी भी आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन अभी क्रिटिक्स ने जो जिस तरह से थम्स अप दिया, तो उस तरह से भाई आई कांट वेट टू वॉच। उसके अलावा क्रिटिक्स ने एक चीज और बोली कि इस मूवी की जो कास्टिंग है वो एकदम परफेक्ट, स्पेशली ड्वेन जॉनसन, एमिली ब्लंट और जैक व्हाइट हॉल, इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही गजब की है और ऑडियंस देखेगी तो बस देखती रह जाएगी। और सिर्फ स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद ही पूरी तरह से आप लोग इस मूवी से जुड़ जाओगे, मतलब फेविकॉल लाके चिपक जाओगे। इस हद तक क्रिटिक्स लोगों ने तारीफ की। अब इतना सब सुनने के बाद मेरा एक्साइटमेंट तो नहीं रुकता, लेकिन आप लोग फिर भी इतने बेशरम और अभी भी आपका एक्साइटमेंट लेवल, आप रॉक के बिल्कुल भी फैन नहीं हो मेरे हिसाब से। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग बताओ कि आप लोग इस मूवी के लिए कितना इंतजार कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 30 तारीख को ये मूवी इंग्लिश में रिलीज होगी, हिंदी में रिलीज नहीं होगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।